नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। और आज बात करेंगे नेशन नाउ में पीएमसी बैंक स्कैम पर। पीएमसी बैंक स्कैम को सामने आए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे पीएमसी खाता धारक अपना सब्र खो रहे हैं। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि त्योहारों के वक्त उनका खुद का मेहनत का कमाया हुआ पैसा बैंक में अटका होना, और दूसरी वजह है मामले में चल रही जांच। जी हाँ, और अब तक पुलिस ने मामले में 4 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें एचडीआईएल के प्रमोटर्स और पीएमसी के पूर्व चेयरमैन और पूर्व एमडी शामिल है। पर अब तक पुलिस और ईडी मिलकर भी इस स्कैम की जड़ तक नहीं पहुंच पाई है। साथ ही अब तक पीएमसी के बाकी डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को जांच के घेरे में लाना बाकी है। क्या इसकी वजह मामले में सामने आ रहे राजनीतिक कनेक्शंस है? साथ ही क्या पीएमसी खाताधारकों की ये दिवाली काली होगी? बिना खुद के पैसों के ये लाखों लोग त्योहार कैसे मनाएंगे? सबसे पहले चलते हैं नेहा कुलकर्णी के पास, जो कि कुछ पीएमसी खाताधारकों के साथ खड़ी है, हमारे साथ जुड़े। नेहा, नेहा ये बताएं, आपके साथ कई पीएमसी के डिपॉजिटर्स भी मौजूद है। अब जो है राजनीतिक कनेक्शंस इस स्कैम में बाहर निकल कर आ रहे हैं, साथ ही साथ त्योहार सर पर है, खाताधारकों का क्या कहना है? कविता, बिल्कुल, त्योहार जैसे कि आपने कहा सर पर है, लेकिन खाताधारकों के लिए अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। आज की एक रीसेंट अपडेट बताया जाए तो वरियम सिंह बैंक के फॉर्मर चेयरमैन और दोनों वाधवंश जो है एचडीएल ग्रुप के प्रमोटर्स, उन्हें पुलिस कस्टडी दी गई नेक्स्ट मंडे तक। हमें पता है कि किला कोर्ट के बाहर काफ़ी डिपॉजिटर्स आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि उनको जस्टिस नहीं मिला है अभी तक, उनका काफ़ी बुरा वक्त जा रहा है। खुद उनसे ही पूछते हैं कि दिवाली अभी सर पर है, तो 2 ही हफ्तों में अभी दिवाली होगी, दशहरा भी चला गया, किस तरह से आपके दिन बीत रहे हैं? आप सर क्या करते, अगर आप हमें अपना नाम बताएं, आप रिटायर्ड है, यू स्टिल वर्किंग, किस तरह से आपका टाइम गुजर रहा है इतना कम पैसे हाथ में? मेरा नाम दीपक है, मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ, बिजनेस है मेरा, और पैसे तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास। ये फेस्टिव सीजन तो बहुत ही बेकार गया है हमारा, और आगे दिवाली के लिए भी कोई पैसा नहीं है। और इतने साउंड बैंक में हमने पैसा डाला था, अभी वो सिर्फ 25,000 रुपये दे रहे हैं, पिछले 20 दिनों से उतना ही दिया है। आगे पैसों का कोई उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है कि कब दे सकते हैं, क्या है। आरबीआई की तरफ से भी कोई हमें सफाई नहीं दी गई है कि कितना पैसा उन्होंने अभी तक मिला है, कितना पैसा उनको देना है, बैंक कब चालू करेंगे। और हम अभी तक पूरी तरह से एक ट्रॉमा में हैं, हम अंधेरे में हैं, हमें पता नहीं है कि आगे हम कैसे चलाएंगे। हमारी फैमिली है, हमारे रोज़ाना के खर्चे हैं, हमारा सारा पैसा इस बैंक में ब्लॉक्ड है, और हमें कोई क्लैरिटी किसी तरह से नहीं मिल रही, ना गवर्नमेंट से ना आरबीआई से, के आगे चल के किस तरह से ये बैंक रिवाइव होने वाला है या नहीं होने वाला है, और हमारे पैसे का क्या होने वाला है। सर, आप बता रहे थे आप रिटायर्ड है, डेली आप चक्कर लगा रहे बैंक के, आपका बताइए कि आपका किस तरह गुजारा हो रहा है, आगे दिवाली में कैसा होगा? अब दिवाली तो गुजारा होगा, मगर जो ये जो एक मेरा छोटा सा एफडी यहाँ पे था, उसमें से मेरा हर महीने टेलीफोन का और मेरा गैस का जो बिल्स था वो डायरेक्ट पेमेंट होता था, वो अभी अटक गया। वो मैं कहाँ से हर महीने दूंगा? अभी बिजली का बिल मैं नहीं भरूंगा और बिजली मेरी कट जाएगी तो उसके लिए कौन मेरे को हेल्प करने वाला है? यही एफडी के पैसे से मेरा हर महीने बिजली का बिल भरता था और टेलीफोन का बिल भरता था। मेरा टेलीफोन का बिल भी 200-250 रुपया है और बिजली का भी मामूली बिल है, तो ये सब बिल मेरा कौन भरेगा? और जब भी मैंने डिपॉजिट किया है तो 1 लाख का डिपॉजिट के अंदर है, तो फिर उसके लिए तो रिजर्व बैंक जिम्मेवार है, तो रिजर्व बैंक ने 1 लाख तो मेरे को तुरंत देना चाहिए। मैम, आप बताइए आपकी दिवाली आपको कैसे लग रहा है, किस तरह से गुजरेगी इतने कम पैसे हाथ में? आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ है और मैं हमारी एफडी है सब बैंक में है, 75,000 जॉन फैमिली की एफडी है, 75,000। अब तो वो बोलते हैं मिलेगे, कब मिलेगे वो मालूम नहीं। कविता, एक और एक जो आज चीज हुई, काफी लोगों ने आज जो किला कोर्ट के बाहर थे, उन्होंने ये भी डिमांड की कि उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनका पैसा अभी तक अपने हाथ में नहीं मिला है। आप में से काफी लोग वहाँ पे थे आज बाहर और उन्होंने सबने यही डिमांड की कि प्रमोटर्स को बेल नहीं मिलनी चाहिए। सर, आपकी तकलीफें बताइए, आप किस तरह से तकलीफों में गुजर रहे हैं एंड क्यों आप चाहते हैं कि यू नो कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो इस केस? मैडम देखिए,
ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं हुआ है। 6,500, 5,000, 9,000 करोड़ मायने रखता है। मैं ये कह रहा हूँ, हम जैसे छोटे मोटे आदमी हैं, अगर उनका जो मेहनत की कमाई है, जिंदगी भर की कमाई है, वो एक झटके में निकल गई। सर आप खुद क्या करते हैं, आप किस तरह से गुजारा? आदमी हूँ, ये देखिए अभी मैंने पार्ट पेमेंट निकाला मेरी एफडी से। अब उसमें से मैं 6 महीने में क्या घर चलाऊंगा 20,000-25,000 में। और ये स्कैम होने के लिए आरबीआई क्या कर रहा था, 6,500 करोड़ मायने रखता है, 8 साल से ये चल रहा था। वाई अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, कोऑपरेटिव सेक्टर, वाई देवर स्लीपिंग 8 ईयर्स 6,500 करोड़ एंड इट माइट गो डीपर ऑल्सो। तो ये कुछ नहीं हो सकता। काफी औरतें भी खड़ी है यहाँ पे कविता, एक बार क्विकली उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम दिवाली है अभी सर पर, दिवाली में काफी खर्चा होता है, गहने हो या चाहे कुछ भी हो, आप अगर आप हम सब बता सके कि हाउ डिफिकल्ट इज इट कि फैमिली चलाना ऐसे टाइम आनी चाहिए। बिल्कुल, 25,000 में क्या होता है, कहाँ से बच्चे खर्चा पूरा करेंगे, बच्चों का कॉलेज की फीस है, क्लासेस की फीस है, जो मंथली फीस जाती है 25,000 में कहाँ से होगा, ऊपर से दिवाली है, दिवाली में हम कैसा खर्चा करेंगे कुछ समझ नहीं आ रही है। बैंक में जाते तो बैंक में वो बोलते थोड़ा टाइम लगेगा, नॉर्मल हो जाएगा, हमको कोई आके जवाब देना नॉर्मल होगा कब होगा, कोई बता नहीं रहा। पैसे तो हमने इतने विश्वास के साथ डाला था, उन लोग ने इतना बोला था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, बैंक को कुछ नहीं होगा, लेकिन आके बताना चाहिए ना क्या होगा क्या नहीं होगा। 25,000 में क्या होता है, कम से कम 1,00,000 रुपये लिमिट करिए ताकि हम अपना खर्चा चला सके। मंथली हमको भरना है, घर में टेंशन रहती, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, रात को नींद नहीं आती है। मेरे हस्बैंड 23 तारीख से डिप्रेशन में है, जब से उनको पता चला है, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करें। मैम अगर आप बता सके तो व्हाट डू यू डू मैम, क्या आप वर्किंग है, किस तरह से, अभी दिवाली भी आ रही है, आगे फेस्टिव सीजन है, दशहरा कैसे गया? हम लोग 92 से जमा कर रहे हैं, तभी से एफडी जमा कर रहे हैं कि इस टाइम में काम आएगी, पर हमको क्या मालूम था कि एएन मौके पर रात को सुबह उठे तो इन्होंने सब दिवाला ही कर दिया। कहाँ जाए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हो गया, दशहरा गया, दशहरे में किसने फेस्टिवल मनाया, अभी दिवाली पे क्या करेंगे, अभी इस उम्र में हमको दवाइयाँ चाहिए, किधर जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट से यही है, मोदी जी आप हम लोग की तरफ ध्यान दीजिए कि पब्लिक को उसका पैसा मिले। हम दान नहीं मांग रहे हैं, कुछ आपसे लोन नहीं मांग रहे, हमारा पैसा मांग रहे हैं हम लोग इसके लिए। सो एक जवाब, एक आवाज में यही कह रहे हैं कविता कि उनका पैसा वो मांग रहे हैं, और एक अश्योरेंस मांग रहे हैं कि कभी ये जो पैसा उन्होंने एफडीज में या सेविंग्स में रखा है कब उनको मिला जाए, और क्योंकि अननेसेसरी दे फील कि उन्हें सफरिंग करना पड़ रहा है इन अ बिग स्कैम एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी अभी तक स्लो चल रहा है। जी नेहा, और एक संक्षेप में चाहेंगे कोई जवाब इनसे, क्योंकि जैसे कि अभी अभी उन्होंने एक जिक्र किया कि 1,00,000 रुपया भी अगर वो निकाल सकते हैं तो कम से कम उतनी सहूलियत होगी। कुछ लोगों को ये भी पूछेगा अगर 1,00,000 मिलता है तो क्या कुल मिला के उन्हें कुछ सहूलियत की आशा है? तो हमें आप लोगों से ये भी जानना है कि अगर आपको कुल मिला के अगर 1,00,000 मिले, जैसे मैम बता रहे थे विड्रॉल लिमिट 1,00,000 हो जाए, तो कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से अगर 25,000 का विड्रॉल लिमिट 70% डिपॉजिटर्स को, 70% खाताधारकों को बेनिफिट करता है, तो 1,00,000 से भी कोई सहूलियत मिलेगी? नहीं, माय रेंट इटसेल्फ इज 43,000, इफ आई वोंट पे नेक्स्ट मंथ आई हैव टू लीव माय हाउस, वी आर गोइंग फॉर आउटराइट, बट इफ वी वोंट पे दिस रेंट एंड माय सन इज नॉट हियर, ही इज इन यूएस, ही इज जस्ट स्टडीइंग, so what to do, mine is hard in money, everybody knows, I am conducting classes, music classes, I'm depositing since I think 18 years. Achha, 18 saalon. Yeah, I have account, everything I have, flexi here, except locker nahi hai, saving, flexi, demat is here, everything. 1,00,000 se bhi koi sahooliyat nahi milegi, ek aur aawaz sunte hain, 1,00,000 agar ma'am deposit ki limit ho jaye to usse koi sahooliyat milegi? Nahi nahi, actually main to businessman hu, mera already pehle bhi ek bar baat ho chuki hai ki business mein kaise karenge, mera ek current account hai yahan pe 7,50,000 rupees current account mein atka hai, FD se बच्चों के लिए फीस के लिए रखा था, अभी ये ऐसा चलेगा नहीं ऐसा, इसमें 1,00,000 में क्या होता है, बिजनेस थोड़ी होना है उतने 1,00,000 में, बिजनेस के लिए तो एकदम क्रंच हो गया, अभी 18-19 दिन हो गए, कोई भी किसने अभी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, कुछ तो स्टेटमेंट दे, कोई तो आगे आवे इसके लिए, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ये बराबर पॉइंट कहा इन्होंने मंदार की, अभी तक कोई अथॉरिटी से उनको स्टेटमेंट नहीं मिला है, और 1,00,000 विड्रॉल लिमिट से भी सहूलियत ज्यादा नहीं मिलने वाली। जी नेहा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास, और उनसे उनके पास जाने से पहले मंदार, बड़ी बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं उनके सामने,
कौन देगा इसका जवाब? किराया भरना है, घर का किराया भरना है, बिजली की बिल भरनी है, फोन के बिल भरने हैं, बच्चों के स्कूल के फीस भरने हैं, सबका पैसा वहां अटका हुआ है। त्योहार तो दूर की बात है, त्योहार तो आप भूल जाइए, जो बुनियादी जरूरतें हैं उन जरूरतों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और इसका जवाबदेही कौन, किसके पास, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन जवाब देगा, बड़े सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे एमएल शर्मा, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं। अतुल लोंदे हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, शाइना एनसी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, और जित्सु शेठ भी हमारे साथ जुड़ रही है जो कि पीएमसी के वसई ब्रांच की डिपॉजिटर है। जित्सु, शुरू करेंगे आपसे, ये बताएं कि जितनी 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ज़्यादा ही हुए हैं जब से ये पूरा मामला जो है सामने आया है, इस स्कैम में जिस तरह कार्रवाई हो रही है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या उसके स्पीड से आप खुश हैं? नो मैम, सी एक्चुअली कार्रवाई हो रही है, सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब आधा अधूरा हो रहा है। अभी चार लोग गिरफ्तार हुए, व्हाट अबाउट ऑल अदर डायरेक्टर्स, बाकी सारे जो है 16 ऑन द बोर्ड, एक थॉमस जी को छोड़, मिस्टर थॉमस को छोड़ के जो बाकी सारे है, वेर आर दे? देवर इक्वली, वो उनका भी इसमें उतना ही ये है, इफ देवर स्लीपिंग और वॉट, ये पूरे 8 साल जो इतना बड़ा स्कैम हो गया, हम लोगों ने उनको वहाँ बोर्ड पे रखा और वो लोग हमारे पैसे की सुरक्षा ही नहीं कर पाए, तो वे देवर टोटली इनकेपेबल। और जो गवर्नमेंट से हम चाहते हैं वन अश्योरेंस कि हमारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, ये 15 दिन हो गए, आई डोंट नो वॉट गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर। हमने इतना भरोसा रखा इस गवर्नमेंट पे, मोदी जी को इतनी बड़ी तादाद में वोट करके लाया, इसी वजह से कि हमें लगा कि ये सरकार हमें कुछ करके दिखा रही है, तो अब आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। व्हाई इज दिस? जी जित्सु जी, बेसिकली ये सवाल ये है आपके लिए कि आपकी अपनी कहानी क्या है, क्योंकि हर डिपॉजिटर की एक अपनी कहानी है, उन्होंने अपना एक पैसा वहां पे रखा हुआ है, आपकी कहानी क्या है? और सबसे अहम बात यह है कि क्या डिपॉजिटर के साथ बोलने के लिए कोई पॉलिटिशियंस, कोई मध्यस्थता करने के लिए कोई लोग आ रहे हैं? कुछ किसी तरह का संवाद जो है वो आरबीआई के साथ होना चाहिए, वो हो रहा है? जी मैं बता दूं, आई एम फ्रॉम द वसई ब्रांच और मेरा यहाँ पे 27 साल से अभी अकाउंट है, मेरा, मेरी बहन का, मेरी माँ का, हमारा सबका, वी ऑल हैव आवर अकाउंट्स इन दिस बैंक। नाउ रातों रात ऐसा हो गया है कि हम रास्ते पे आ गए, डिजिटलाइजेशन बोला हमने, वो बात की हमने, हर तरह से इस सरकार को सपोर्ट किया है। आपने बोला डिमोनेटाइजेशन, वी स्टूड विथ यू, आपने बोला डिजिटलाइजेशन, वी स्टूड विथ यू, हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, अभी रातों रात सब कुछ बंद हो गया। जस्ट इमेजिन, हमारे पास जेब में 2 रुपया नहीं है, वेयर डू आई गो, हुम शुड आई आस्क फॉर मनी? और मेरी तरह लाखों, कितने लोग हैं जो आज, और ये स्कैम तो चल रहा है, उसके बाद हमें कोर्ट के बाहर भी खड़ा रहना है कि ये जो कल्प्रिट्स हैं उनको बेल ना मिल जाए, ये और एक दूसरी तरह की लड़ाई भी हमें लड़नी है। आई रियली, मुझे बस ये सरकार से ये कि आप ये आश्वासन दीजिए कि ये इन लुटेरों को बेल नहीं मिलेगी। वो आज ही कदम रखते हैं कोर्ट में, हम लोग वहाँ कोर्ट पे थे, कदम रखते हैं और उनकी 12-15 एडवोकेट्स की टीम सीधे आके ये बताती है कि ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये कोई मर्डरर्स नहीं है, इनसे छोटी सी गलती हुई है। 16 लाख फैमिलीज को आपने रातों रात रस्ते पे ला दिया, ये छोटी सी गलती है। 8 साल तक आप हमारे पैसों पे जेट में घूमते रहे, 22-22 कमरों के मकानों में ऐश से रहते रहे, याच पे घूमते रहे, हमारे पैसों पे आज हमारे इतने लोगों के बच्चों का फ्यूचर, हमारी फीस, हमारे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, सारे पैसों पे ये वधावन जी और वधावन, सॉरी जी नहीं बोलना चाहिए, ये वधावन थॉमस, ये वारियम, ये सब लोग ऐश करते रहे, and today we are on the roads. ये किस तरह का, what is this? How can we accept such a thing? And I want Shaina NC ma'am to please give us an assurance, ma'am. I think even last time I had asked you for this, so I want her to please give us a committed assurance on this. जी, शाइना जी आएंगे आपके पास, लेकिन इसके पहले अतुल लोंडे, आपसे भी सवाल यही है कि लगातार ये देखा गया है कि कोऑपरेटिव्स बैंक्स में, खास करके जो जो राजनीतिक एक
हस्तक्षेप होता है हमेशा से राजनीति करने वाले लोग जो है वो इस पूरे सिस्टम का फायदा उठाते आए हैं और ऐसे हाल में इस बैंक में भी यही देखा गया है। इस बैंक में भी कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या राजनीति का इस्तेमाल करके पिछले कुछ 5-6-7 सालों से ये जो पूरा घपला है उसको अनदेखा किया गया था? एकदम सही बात है। इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन जो है वो इंटरवेंशन क्यों हुआ नहीं, क्योंकि प्री इंटरवेंशन सिस्टम आरबीआई के सिस्टम में होती है। इतना बड़ा फ्रॉड होता है, पर्टिकुलर एक कंपनी को 73% ऑफ द टोटल लोन गिवन टू द कस्टमर्स, उसमें 73% एक कस्टमर को दिया जाता है। उसमें भाजपा के जो नेता है, वहाँ के जो आमदार है तारा सिंह, उनका बेटा रंजीत सिंह वहाँ पर डायरेक्टर है, ये सारे SBIL को दिया जाता है, जिसके खुद के जेट है, जिसके खुद के यॉच है, यहाँ पर इनका सारा पिकनिक वगैरह सारा होता है। और उसके बाद अगर RBI ने इसका इंटीमेशन अगर दिया नहीं है, नोटिस अगर दिया नहीं है तो क्यों नहीं दिया है, और अगर दिया है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया, और उसको अगर फॉलो क्यों नहीं किया गया है तो कौन लोग उसके पीछे है जिनके वजह से इसकी अनदेखी बार बार की गई है। 8,800 करोड़ में से 6,500 करोड़ एक आदमी को दिया जाता है, ये कौन सा एक कंपनी को दिया जाता है, ये कौन सा सिस्टम है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अब तक रंजीत सिंह जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, और तीसरी बात इनके पासपोर्ट क्यों सीज नहीं होते सारे डायरेक्टर्स के। 12 डायरेक्टर जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के संगठन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये कार्रवाई भी दिखाने की बात है सारी की सारी बात। और जहां ईडी का मसला आता है, जहां RBI का मसला आता है, इतना सारा बवाल होने के बाद काफी सारा ऑब्जेक्शन हमने उठाया, AICC से भी, ऑल इंडिया लेवल पर भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद कहीं जाकर इसको NPA न करते हुए इसको घोटालों की सूची में डाल, इसको फ्रॉड की सूची में RBI को डालना पड़ा है, जो कि पहले ही ये सारी बातें होनी चाहिए थी। अब ऑडिट रिपोर्ट कहाँ गया, अब ऑडिट रिपोर्ट क्यों सामने आता नहीं है, और कार्रवाई होते समय वो सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों होती है? वरियम को सिर्फ एक इंटीमेशन ही जो है वो दी गई थी अब तक कि इनको सारे ऑपरेशन से दूर रखा जाए, फिर से संपर्क करेंगे आपसे। जो मुद्दे उठाए सही मुद्दे है, लेकिन सबसे कविता इस पूरे मुद्दे को लेकर जी, दरअसल मैं अपने दर्शकों के सामने ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका एक स्टेटस अपडेट देना चाहती हूँ, और इसी से जुड़ा सवाल ML शर्मा से भी है। जल्दी जल्दी बताते, देखिए 30 सितंबर को जो है मुंबई पुलिस के EOW ने पहला FIR इस केस में जो है दर्ज किया था। उसके बाद 3 अक्टूबर को जो है HDIL के जो मालिक है राकेश वधावन और सारंग वधावन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। 4 अक्टूबर को जॉय थॉमस जो PMC के पूर्व XMD है उनको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, और 5 अक्टूबर को वरियम सिंह जो कि चेयरमैन रह चुके इस बैंक के उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो है प्रॉपर्टी सीजर होता है, प्रॉपर्टी अटैच होती है, और इनकी पुलिस कस्टडी जो है एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन शर्मा जी सवाल ये है कि इस बैंक के 12 अलग डायरेक्टर है, कुछ डायरेक्टर जो है इनमें से 2 डायरेक्टर है जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है, ऐसे मामले में जहां पर लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी का सवाल है और जहां पर आपके पास इतना पावरफुल बोर्ड है, क्या आपको लगता है कि ईडी को यहाँ पर थोड़े और तेजी से काम करना चाहिए था? क्या सबसे पहले पूरे सारे डायरेक्टर्स को समन करके उनकी क्वेश्चनिंग शुरू कर लेनी चाहिए थी, कोई किसी तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए था? मेरे विचार में बॉम्बे पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है वो सही दिशा में है। पिछली बार आप ही की चैनल में मैंने ये बात कही थी, जब गिरफ्तारियां नहीं हुई थी तो मैंने कहा था कि आश्चर्य की बात है गिरफ्तारियां नहीं हुई, और उसके इमीडिएटली बाद में गिरफ्तारियां हो गई। एक बात ध्यान रखने की है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस कस्टडी में हैं, इसलिए पूरे तथ्यों को निकालने के लिए उनसे कड़ाई से पूछताछ किया जाना ज़रूरी है। ये ऐसे शातिर लोग हैं कि आराम से बोलने वाले नहीं हैं।
इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में इस जांच को शिथिल कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस को हमें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हमें टाइम देना होगा। इन्हीं चारों में बातें हैं सारी, वो निकालनी होंगी। यहीं से पता चलेगा कि किस किस डायरेक्टर का क्या क्या रोल है, क्योंकि ये कर्ता धर्ता थे, ये मुख्य अभियुक्त हैं। इन्हीं से ये पता चलेगा कि पॉलिटिकल रोल किसका था या किसका नहीं था। जहाँ तक दूसरे डायरेक्टर की गिरफ्तारी का सवाल है, हाँ, कानून के अनुसार वो भी अनुसंधान के कार्यक्षेत्र में आते हैं, और किस किस ने कितना कितना क्या क्या रोल किया है ये पुलिस को निर्धारित करना होगा और शीघ्र करना चाहिए। और जो इन चार मुख्य अभियुक्तों से पूछताछ हो रही है, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बाकी सब लोगों से भी कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। तो अभी तक मैं बॉम्बे पुलिस की तफ्तीश से हताश या निराश नहीं हूं जी। तफ्तीश सही लाइन पर है, और मुझे उम्मीद है कि जहां लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, खाताधारी हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के, उनका इतना पैसा चला गया, तो बॉम्बे पुलिस अब संवेदनशीलता दिखाएगी और तफ्तीश को सही डायरेक्शन में करते हुए उसको ठीक निष्कर्ष पर ले जाएगी। शाइना इंसी, कुल मिला के अगर ये पूरी सिचुएशन को देखे, उसको भापे, तो आपको क्या लगता है कितने जल्दी डिपॉजिटर्स के लिए कोई सहूलियत का निशान कम से कम दिखने लगेगा? क्योंकि अब ये हालात है कि पूरी एक तरह से पूरा अंधेरा है इन सभी लोगों के सामने, और अपनी मेहनत की कमाई, अपने इतने लाखों पैसे जो है वो पूरे के पूरे अभी फंसे हुए हैं इन लोगों के, और ये लोग कहीं दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं। ऐसे हाल में अब तक इन लोगों की गुहार जो है ना सरकार ने सुनी है, ना आरबीआई ने सुनी है, सिर्फ अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या इन लोगों की तरफ सबसे पहले ध्यान सरकार नहीं दे पाएगी? तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन को लेके एक प्रथा रहती है, और हम बिल्कुल सरकार के तरफ से, आरबीआई के तरफ से आश्वासन देते हैं पीएमसी के एक एक अकाउंट होल्डर को कि उनको उनका पैसा मिलेगा। रही बात, हम सब जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, 28 सितंबर को आरबीआई ने कहा कि कैप है सिर्फ 1,000, 26 सितंबर को आरबीआई ने विड्रॉल लिमिट 1,000 से 10,000 तक किया है, और 3 अक्टूबर यानी कि अभी हाल ही में 10,000 से 25,000 6 महीने के लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी को अपना पैसा नहीं मिलेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मुंबई पुलिस ने 10 केसेस एफआईआर रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हैं और जेल में हैं, वाधवंस हो, थॉमस हो। ये तो सिर्फ तहकीकात के दृष्टि से वाटर टाइट केस की आवश्यकता है, लेकिन जो उनके प्रॉपर्टीज अटैच हुए हैं, जो उनके सभी कमोडिटीज, ज्वेलरी हो, कार्स हो, एयरक्राफ्ट हो, सब जनता को, बारिश आ गई है। जी जी, जी शाइना जी, फिर से जुड़ेंगे आपसे और सवाल पूछेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अरुणील भी जुड़ रहे हैं। अरुणील के साथ भी कई डिपॉजिटर्स, खाताधारक मौजूद है। चलते हैं सीधे अरुणील के पास। अरुणील, बताइए खाताधारकों की क्या क्या मांगे हैं? उनकी गाइडलाइन पे चलता है, रेटिंग किसने दी? अगर 1% हम ज्यादा कस्टमर ले रहे हैं, रेटिंग कौन देता है उसको? रेटिंग गवर्नमेंट देगी, आरबीआई देती है। अरुणील, आपको अगर आवाज आ रही है, अरुणील आप तक आवाज आ रही है, तो खाताधारक जो आपके साथ है उनकी क्या मांगे हैं? I can hear you. Well, I can hear you. We saw the kind of protest that happened in the afternoon also. At present with me are, these are the depositors of the PMC bank, been heavily impacted by this entire scam. You can see most of them are senior citizens also. We'll try to speak to them. Ma'am, you tell us, like, you have put your hard-earned money, lifelong money into the PMC bank, yes. And now at this age, how impactful is it on you? Yeah, it has a very heavy impact because I have no money to buy my medicines. We need money for medicine. We need money. We are not going to stretch out our hands to others and we be like beggars. When we have a hard-earned money, we have earned it for our old age, to have a little comfort. We have put all our savings in this bank only to get some more interest. Not otherwise. Why should we put, and if it is a scheduled bank, that's why we put it here, isn't it?
Ma'am, you tell us that the government has given around more than 5% bonuses to the government employees. However, unke liye achhi Diwali hai, badi Diwali hai. For you, it is a black Diwali. Hamare liye kali Diwali hai. Government ne agar government employees ko 5% bonus diya hai, we appreciate that. Lekin humko kyun ignore kar rahe hain? Hum bhi isi desh ke vaasi hai, hum bhi tax bharte hain, hum bhi sab law rules abide karte hain. Fir hamare ko kyun un log nazarandaz kare? Hamare saath ye anyay kyun ho raha hai? Humne hamesha sab laws ko abide kiya hai, tax bhare hain, sab kiye. To humko itna biased behavior kyun dikha rahe hain? Humne kaun sa guna kiya hai? Aur hamari multi-stated bank hai, there are 16 lakh families and 137 accounts all over so many states, then why it is not RBI or government is not replying to us? Government and RBI is absolutely responsible for this fraud which has happened, and they are definitely aware ke kya kya ho raha hai. Phir bhi un log HDIL ke against koi action nahi le rahe. Hamari Diwali ekdam kali hai, hum kuch nahi kar sakte. Aur abhi coming election mein hum log vote bhi nahi karenge agar humko hamara ek ek rupiya wapas nahi mila. Humko hamara ek ek rupiya wapas chahiye. It is our hard-earned money. We are living for that money. We have earned and we have saved it for our children's education purpose, for our old age purpose. Then why should we not get our money? And are we beggars to go and stand in queue for 5 hours, 6 hours, just to get 25,000 for 6 months? Aap mujhe bataiye, 25,000 mein aap 6 mahina jee sakte ho? आप लोग सर्वाइव कर सकते हो? आपको मेडिसिन नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए? 6 महीने में कौन जी सकता है आज के जमाने में? मैम, यू बेसिकली टेल अस द प्लश प्रॉपर्टीज ऑफ एचडीएल ओनर्स हैव बीन सीज्ड. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट नाउ? आई वांटेड टू गो ऑन अ फास्ट ट्रैक. इट शुड बी ऑक्शन इमीडिएटली एंड वी गेट आवर मनी, बिकॉज द सीनियर सिटीजन हियर आर लिविंग ऑन दैट इंटरेस्ट व्हाट वी गेट फ्रॉम देयर. वो इंटरेस्ट आता है तो सबका घर चलता है. माई फादर इन लॉ इज 89 ईयर्स. ही आई हैव पुट अ अटेंडेंट फॉर him from a bureau. I have to pay him 28,000 rupees per month. From where will I pay? Tell me. And that poor fellow, I cannot tell him ke main baad mein dungi, main kahan se paisa laungi. So Manda, you can see all of these customers of the PMC Bank have a heart-wrenching story, most of them being senior citizens, clearly saying that we were dependent on that FD money that we were getting. Now everything is blocked for us. This Diwali is going to be a black Diwali. They're also blaming the government. Some of them are also saying that we are not going to vote in this election also. The government is not paying heed to any of our demands. We'll try to speak to some of the more customers over here. Ma'am, aap bataiye, aapko kitna impact ho raha hai? Bahut, bahut impact ho raha hai, because hum log to इंटरेस्ट पे जी रहे हैं. वी आर लिविंग ऑन द इंटरेस्ट एंड वी डोंट हैव एनी अदर मनी. वी हैव टू लिव ऑन द एवरीबडी. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी सैड टू नो दैट सो फार नोबडी हैज टेकन एनी एक्शन अबाउट दिट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन गॉड ऑन ऑल नोज. यू टेल अस दैट व्हेन यू वर इन्वेस्टिंग इन द पीएमसी बैंक यू वर डूइंग इट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. हाउएवर व्हेन यू वर नॉट गेटिंग योर मनी बैक, हाउ व्हाट बिगर शॉक वाज दैट? शॉक बहुत हो गया. ऐसा नहीं होना सही चाहिए ना. हम लोग क्यों बैंक में रखते हैं पैसे अपना अर्जेंट के लिए लेने के लिए ना? कभी सीनियर सिटीजन ले हम लोग और हस्बैंड भी अभी चल नहीं सकते, नहीं तो आते थे जी. कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ये पूरा जी अरुणिल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी का वहां से, क्योंकि लगातार कविता अगर हमने देखा है कि डिपॉजिटर्स की हर किसी की एक कहानी जो है वो काफी दर्द भरी कहानी है, और इसको लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने दिखाई दे रही है. अतुल लोंडे हमारे साथ है. अतुल लोंडे, अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी कि वो इन्वेस्टिगेशन एक सही दिशा में हो रही है, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में हो रही है और किसी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की और इसमें जरूरत आपको दिखाई देती है? मुझे दो तीन बातें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन दो तीन बातें जो है वो मैं पहले यार आना चाहता हूं. जिस तरह से लोग सामने आए हैं, लोगों ने अपनी व्यथाएं रखी है, लोगों ने अपने दुख अपने सामने रखे, उसमें दो तीन स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है. पहली स्टेप ये तो है इमरजेंसी और स्पेशल केसेस में लोगों को उनके जो पैसे वो पूरी तरह विड्रॉल करने के अधिकार जो है वो पहले बहाल करने चाहिए. नंबर टू, इस बैंक में छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक है और हाउसिंग बैंक के भी डिपॉजिट्स होंगे, उन्होंने यहाँ पार्क किए होंगे, उनका उनका मनी वहाँ पार्क किया होगा. वो और भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके ऊपर अभी आने वाले दिनों में वो भी अफेक्ट होंगे, तो उनको भी इससे छोड़ा जाए. और तीसरी बात, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी डिसीजन मेकर इस पूरे स्कैम से रिलेटेड है वो देश के बाहर न जाने पाए
ये सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन में जो है ये काम करना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल में हमने ये देखा है कि लोग यहाँ फ्रॉड करते हैं, बड़ा बड़ा फ्रॉड करते हैं। एक फ्रॉड अभी पाइपलाइन में है, वो तो एमपी है, उसका क्या होता है वो देखना पड़ेगा, वो बाहर जाने ना पाए, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, शर्मनाक बात होती है, देश के क्रेडिबिलिटी पे इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। मेरी ये मांग है कि गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग सिस्टम पर जो उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उससे क्रेडेंशियल्स पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो काफी डेंजरस है। पहले हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जूझ रही हमारी इकोनॉमी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और लोगों का अगर कॉन्फिडेंस इसी तरह से गिरते रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वरियम को तभी अरेस्ट हो जानी चाहिए थी, या वरियम को उस निर्णय प्रक्रिया से तभी बाहर किया जाना चाहिए था जब आरबीआई की इंस्ट्रक्शन आई थी। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी अपने इसमें डेलिब्रेशन में कहा था कि आरबीआई की जो प्री मॉनिटरिंग सिस्टम होती है, वो प्री मॉनिटरिंग सिस्टम में इनको जो भी नोटिसेस आए होंगे, जो भी इंटीमेशन आई होगी, उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, और अगर इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है तो उसमें बाधाएं किसने लाई, किसने इन्फ्लुएंस किया, क्या उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था क्या, वो देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 1,000, 10,000 और 25,000 जो बढ़ाई गई चीजें है, उसके पहले उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में बैंक को वापस लेकर आएंगे अपने पटरी पर, वो ठीक से ऑपरेशन कर पाएगी, फिर प्रॉफिट में लाया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दिखती है, चेयरमैन की दिखती है, और SDIL की भी दिखती है। लेकिन किसी तरह का स्टेटमेंट, किसी तरह का एक जो लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बायस तरीका है इस गवर्नमेंट का, ये पॉलिटिकल बिहेवियर। जी अतुल जी, एक सेकंड, जित्सु जी आप कुछ कहना चाह रही है? या मुझे एक सवाल, जो सीबीआई से जो सर हमारे साथ है उनको एक सवाल पूछना है मुझे, कि ये जो आपने सारा बताया सर अबाउट द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, यू सेड के इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक, या वी ऑल्सो एग्री, बट आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सर, आज ही इन लोग, दिस पीपल वेर बॉट इन द कोर्ट एंड देयर एडवोकेट्स वेर स्ट्रेट अवे डिमांडिंग एंड सेइंग थिंग्स लाइक दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर नॉट मर्डरर्स, वाई दे शुड बी टेकन टू आर्थर रोड जेल, वो तो इनसे एक छोटी सी गलती हो गई है सर। सो आई वॉन्ट टू नो कि ये इनको ये बेल मिल जाएगी सर, बिकॉज देन तो पूरा सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा सर। जी बोलिए शर्मा जी। मेरा अनुभव ये है कि आज के वातावरण में, आज के माहौल में, हाँ आज के वातावरण में, आज के माहौल में महीनों तक इनकी जमानत नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। लेकिन जो डिफेंस काउंसिल है उसका काम है ये कहना कि मेरे हमने कोई अपराध नहीं किया है, बहुत छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसे वाले लोग हैं, हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां 50-50 वकील खड़े होते हैं, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। एक छोटा सा पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा हो जाए, उसके साथ 4 लोग आप खड़े हो जाएं, प्रॉपर ब्रीफिंग उसको हो जाए, उसके 4 वाक्यों से ही कोर्ट का रुख बदल जाता है, और जो आपकी पीड़ा है पूरा देश देख रहा है, और इसलिए वो पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी जहाँ तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सवाल है। बाकी ये दूसरे इश्यूज हैं, इसके बारे में दूसरे पैनलिस्ट बोल चुके हैं। मेरी समझ में ये आता कि ये छोटा सा 5,000 करोड़ का मामला है, इसमें 50,000 करोड़, 80,000 करोड़ का रीफाइनेंस बैंकों को किया जा रहा है। तो यहीं आपके बैंक से क्यों नहीं शुरुआत कर देते, जिससे मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, वो रीफाइनेंसिंग से उनको अपना पैसा, कोई आप मांग तो रहे नहीं है जैसा आपने कहा है, अपने पैसे को तो मांग रहे हैं। तो अगर मैं सरकार में कोई होता, छोटा सा पैसा इन्वॉल्व। दरअसल शर्मा जी, यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि लोगों को भी उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए मैं दूर बैठा हूं, आप कम से कम, और इसलिए मैं पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन 6-7 महीना तो चार्जशीट लगाने में लगेगा, क्योंकि हल्की चार्जशीट लगाना ठीक नहीं होगा, और बयान लिखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी सीज करनी पड़ेंगी, कुछ हो गई कुछ और होंगी, तफ्तीश जो इंटरोगेशन है इनको तो नींबू की तरह निचोड़ना पड़ेगा, इनसे खबर लेनी पड़ेगी किस किस ने क्या क्या किया है। और एक पॉइंट मैं पहले बताना भूल गया था, ये डायरेक्टर्स और दूसरे लोग भाग ना जाएं, इसलिए बॉम्बे पुलिस को इनके पासपोर्ट्स को तुरंत सीज कर लेना चाहिए, और सबके विरुद्ध
LOC लुकआउट नोटिस जारी कर देना चाहिए। जी जी शर्मा जी, इसी को लेकर आपको सवाल है, जिस प्रकार से ये जो 12 बाकी डायरेक्टर्स हैं जिनको अभी तक लगता है कि तहकीकात के दायरे में नहीं लिया गया है, जो भी वजह हो, लेकिन कितना जल्दी उनको तहकीकात में लाया जा सकता है और क्या ये लोग भी गिरफ्त में आ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी एक तरह से उनका भी सहभाग है इस पूरे पिछले 5-6 सालों के प्रक्रिया में। देखिए, तफ्तीश के दायरे में तो उसी दिन से आ सकते हैं जिस दिन FIR दर्ज हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अपनी लिमिटेशंस हैं, कितनी मैन पावर है, और हर आदमी तो अच्छी तरह से ऐसे लोगों से इंटरोगेशन कर भी नहीं सकता है। तो उन्होंने अपना स्कीम प्लान बनाया होगा कि पहले इनको निपटा ले, फिर उनको करेंगे, फिर दूसरों को करेंगे। तो इससे मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है। जहाँ तक डायरेक्टर्स का इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट का प्रश्न है, देखो डायरेक्टर आते रहते हैं, ज़्यादातर जाते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, किस डायरेक्टर के ज़माने में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सी लोन, वो सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो तफ्तीश में देखने की बात है। ऑफ हैंड मैं दिल्ली में बैठ के आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन जिम्मेवार होगा और कौन नहीं होगा। जिस जिसका जितना रोल है, जिस जिस ट्रांजैक्शन में रोल है, उस हिसाब से इसको देखा जाएगा। जी, और एक चीज शर्मा जी, क्योंकि इसमें कई ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, काफी पावरफुल लोग हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन को वो या तो इन्फ्लुएंस करे, या तो जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, उसमें किसी तरह का फेर बदल करे, क्या ये हो सकता है? पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ, 20 साल मैं CBI में काम किया, फिर स्टेट में CID में रहा, पिछले 15 साल में हमारी ज्यूरिसप्रूडेंस बहुत बदल गई है। 15 साल पहले जो रिच और पावरफुल थे उनका कुछ नहीं बिगड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और दूसरा कहावत है कि गिरती हुई दीवार को हर एक धक्का लगाता है, तो जो गिरती हुई दीवारें हैं इनको संभालने के लिए कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, ख़ास तौर से उस स्थिति में जिस स्थिति में ये स्कैम हुआ है। जो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो इन डिपॉजिटर्स की पीड़ा, व्यथा और दर्द को सुन रहे हैं, जैसे मैंने अभी सुना है, जैसे आप सुन रहे हैं, तो कौन इन लोगों की मदद करना चाहेगा? इसलिए थोड़ा सब्र, धैर्य रखना भी ज़रूरी है, और मैं सोचता हूँ कि सारा इन्वेस्टिगेशन सही होगा। बट असली चीज़ इन्वेस्टिगेशन अलग है कि इन लोगों के पैसे को कैसे वापस किया जाए, कैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ये ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकें, इसके लिए RBI को कुछ ना कुछ रोल अदा करना चाहिए। जी, और जितू जी, मुझे मालूम है कि आपका सवाल है, लेकिन एक दर्शक भी फ़ोन लाइन पर है हमारे साथ, पुष्पिंदर राठौर ने मुंबई से फ़ोन किया है, बताइए राठौर जी। मैम, वी ऑल आर अवेयर कि काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, बट एज अ बिजनेस मैन मुझे अब TDS भरना है, मुझे GST भरना है, मुझे लोगों की सैलरी देनी है, उनकी भी दिवाली है। देयर इज एब्सोल्यूट नो क्लैरिटी कि हम अगर ये डिले करते हैं तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट लगेगा, उस पर भी हमें डिले फाइन पेनल्टी लगेगी। तो एटलीस्ट देयर शुड बी सम, यू नो, मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये देना चाहिए कि जो प्रॉपर बिजनेस मैन है जिनका अकाउंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जिनको एक्सटेंशन देना चाहिए GST का, एडवांस टैक्स का, TDS का, अभी हमारे ईयर एंडिंग के हमें टैक्स भरने हैं, वो हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जी जी पुष्पेंद्र जी, यहाँ पर इनको अपना अपनी बिजनेस चलाने में जैसे आप देख सकते हैं दिक्कत हो रही है, और उनसे जुड़ा हुआ कई लोगों की यहाँ पर जिंदगियाँ हैं, कई लोगों की सैलरीज है जो इन्हें देने हैं, वो सब पर अब सवाल या निशान है। जित्सू जी, या मुझे ये बोलना है कि कोर्ट में ऐसी भी बातें बोली जाती है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए ताकि ये लोग बाहर निकल के सबके पैसे चुकाने का प्रबंध कर सके। तो मेरा ये कहना है कि अब हम जनता बहुत सतर्क है, इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। फॉर दीज कल्प्रिट्स इट हैज़ टू बी ओनली एंड ओनली जेल, नो बेल ओनली जेल। एंड हम लोग को सरकार पे भरोसा है, वी आर स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट, बट वी वॉन्ट गवर्नमेंट टू एक्ट फास्ट।
RBI is also equally responsible. RBI has to come forward. ये इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है, RBI के ऑडिटर्स होते हैं, there are so many levels of auditing, सारे मिस हो जाते हैं और इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है, and RBI is sleeping. जी बिल्कुल, ये सही सभी बातें जो है वो एक के बाद एक सामने आती रही है. लेकिन एक आखिरी सवाल अतुल लुंडे आपसे भी है कि जिस प्रकार से एमएल शर्मा ने एक सेकंड के लिए एमएल शर्मा जिस तरह से आपने भी एक जिक्र किया था रिफाइनेंसिंग का, अतुल लोंडे के आपको कोई गुंजाइश लगती है कि रिफाइनेंसिंग के तौर पर भी इस बैंक को एक तरह से देखा जाएगा और देखने की जरूरत है और खास करके इससे लोगों की जो दिक्कत है वो बंद हो जाएगी, जो डिपॉजिटर्स है कम से कम वो एक सेफ्टी नेट में आ जाएंगे? एकदम सही सजेशन है शर्मा सर ने जो दिया है वो. जैसा कोऑपरेटिव बैंक में बैंक लोन की गारंटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, जनरली एमएस कोऑपरेटिव बैंक में हम लोग देखते हैं. और रिफाइनेंसिंग बड़े पैमाने 2 लाख करोड़ के ऊपर हमने रिफाइनेंसिंग जो है थ्रू बजट इन्फ्यूज किया है सिस्टम में. अभी 16 लाख लोग और जो लोग हैं जिनका सस्टेनेंस इंटरेस्ट पे है, अभी शादियों का सीजन आएगा या सीनियर सिटीजन है, मैंने इसीलिए पहले ये सवाल उठाया था, ये मुद्दा रखा था कि हमारी ये मांग है कि स्पेशल और इमरजेंसी केसेस में विड्रॉल जो है जो अलाउ करनी चाहिए. दूसरी बात ऐसा है कि 6,500 करोड़ का कुछ तो है, अभी एग्जैक्ट फिगर जो है वो अभी तो बाहर आया नहीं है, लेकिन 73% एक ही कंपनी को दिया गया है. तो या तो मोनिटाइज करना चाहिए उनका असेट, बाद में उसका ऑप्शन करना चाहिए गवर्नमेंट ने, और आरबीआई ने पैसा इन्फ्यूज कर लोगों की जो डिपॉजिट्स है छोटी छोटी डिपॉजिट्स वो देनी चाहिए. और मैंने बोला ये सिस्टमिक फेलियर है. सिस्टमिक फेलियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे डिपेंडेंट कुछ छोटी छोटी बैंक्स है, हाउसिंग बैंक्स है, उनको भी इसके दायरे में लाना पड़ेगा और उनको भी रिलीफ देना पड़ेगा. लेकिन एक स्टैंडर्ड अभी सेट करने की जरूरत है, कोई भी पार्टी रहे उसका सवाल नहीं आता है. लेकिन पिछले 3 साल में मेरे पास फिगर्स है कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, 71,000 करोड़ का 17-18 में हुआ था, 18-19 जी अतुल जी 1,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है जी अतुल जी. फोकस इस फ्रॉड पर करते हैं अतुल जी अतुल जी माफ कीजिए, वक्त की कमी है. शर्मा जी और एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरी सवाल. एचडीएल जो है, एचडीएल कंपनी ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के तहत फाइलिंग किया था, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइलिंग करी थी इसके पहले, तो क्या इससे भी जो है मामला और बिगड़ सकता है, क्या इसका डर है यहाँ पर? देखिए, क्रिमिनल लॉ अलग काम करता है और बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग हैं. तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर कोई भी अन्य प्रोसीडिंग्स का प्रभाव नहीं होगा, बस ये खास बात ये है. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सॉवरेन प्रोसीडिंग्स हैं, वो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता. ये मामला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी पुलिस और जो कंसर्न कोर्ट है उसके बीच में है, बाकी कोई कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो, कोई दूसरी प्रोसीडिंग्स हो, उसका उससे कोई लेने देना नहीं है, इसलिए तफ्तीश पर कोई असर नहीं होगा. जी वक्त की कमी है, यहीं पर ये चर्चा खत्म करेंगे. लेकिन बड़े सवाल है जो खाताधारक पूछ रहे, वो ये नहीं चाहते कि आप त्योहारों के लिए पैसे दें. उनका ये कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई है, उस कमाई से वो स्कूल और कॉलेज की फीस भरना चाहते हैं, उस कमाई से वो दवाइयाँ खरीदना चाहते हैं, उस कमाई से जो है वो अपनी बाकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं. और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25,000 रुपये 6 महीने की अवधि के लिए बहुत कम है. क्या आरबीआई, क्या सरकार इनकी गुहार सुनेगा? जी हाँ, और अब वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम प्याज के बाद टमाटर की कीमतों में भारी उछाल है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली और मुंबई की सब्जी मंडियों का हाल. जी साथ ही केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार का दिवाली बोनांजा बताएंगे इस बड़े ऐलान के बारे में. बने रहिए मेरा राव के साथ. और आपकी रसोई का बजट बिगाड़ने के लिए टमाटर और प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं. प्याज की कीमतें तो पहले से ही 60 के पार थी, अब टमाटर भी 50 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं. जी केवल टमाटर और प्याज ही नहीं बल्कि लहसुन की प्रति किलो कीमत में 100 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है.
ऐसा अनुमान है कि सब्जियों की ऊंची कीमतें अगले महीने तक ऐसी ही रहेंगी। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे दिल्ली में सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं। आलोक, कितनी बड़ी है सब्जियों के दाम दिल्ली में और कितना महंगा पड़ेगा अब घरों में खाना बनाना? कविता, देखिए प्याज और टमाटर ये ऐसे क्या कहें सब्जियां हैं जिनकी कीमत अगर बड़ी होती है तो वाकई आपके किचन में खाने का जायका बिगाड़ सकती है। और अभी फ़िलहाल दिल्ली की स्थिति की बात करें तो ऐसे ही कुछ है, क्योंकि टमाटर का दाम अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी तक मंडी में, अभी फ़िलहाल मैं ओखला मंडी में हूँ जो कि साउथ दिल्ली में पड़ती है, यहाँ पर टमाटर का दाम लगभग 40 से 50 रुपए और यही दाम लगभग इसी बीच में प्याज का भी दाम है। और जब ये बाहर जाता है जिसको हम रिटेल प्राइस में बोलते हैं वहाँ पर इसकी कीमत 70 रुपए तक भी पहुँच जाती है, कई कई जगहों पर 80-80 रुपए में भी बिका है। तो ये स्थिति दिल्ली की है टमाटर और प्याज की। अब कारण जो है वो यहाँ पर जो बेसिकली दुकानदार हैं वो ये बताते हैं कि जो पीछे से माल आता है वो बड़ी डिले आ रहा है कई जगहों पर, क्योंकि बारिश हुई है। हमें मालूम है दिल्ली में जो टमाटर और प्याज आता है वो तीन जगह से मुख्यतः आता है, वो मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान और कर्नाटका, ये तीन जगह से मुख्यतः टमाटर और प्याज आते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि फसल वहाँ पर डिले हुई है और बताया जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और अनसीजनल रेन के कारण ये सारा चीज़ हुआ है। कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि आढ़तियों का दबा के बैठना एक ये भी एक कारण है जिसके कारण दाम का बड़ा होना है। आज ही हमने ये जाना कि यहाँ पर लहसुन के दाम भी बढ़े हुए हैं, जो कि लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि सब्जियों में पड़ती है और उसका दाम लगभग 200 रुपये प्रति केजी है। और अभी ये बताया जा रहा है कि इसके दाम अगर हम रिटेल में बात करें तो वो 300 रुपये तक में बिक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लहसुन जैसा जो वेजिटेबल है उसका दाम कितना बढ़ गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जियों का दाम दिल्ली में कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लोगों के लिए खासी समस्या हो रही है। जी, और ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है बल्कि देश के जो जितने भी बड़े शहर है, बड़े मेट्रो में, सब में यही ऐसा ही कुछ हाल दिख रहा है। यानी हमारे घरेलू बजट, हमारे और आपके घरेलू बजट पर असर पड़ना तय है। लेकिन मंदर, समझना चाहेंगे कि आखिर सारी ही सब्जियों का दाम, जो कीमत है, इस कदर बढ़ क्यों रहा है? और खासकर प्याज की बात करें तो लगातार प्याज की कीमत अगर आप देखें तो डबल हो गया यहाँ पर, क्या वजह? जी हाँ, हमें थोड़ा अलग से देखना होगा सब्जियों में और प्याज में खास करके, क्योंकि प्याज के दामों के बारे में अगर देखा गया तो कुछ अलग डायनामिक्स होते हैं वहाँ पे और सब्जियों के डायनामिक्स लगभग वही हैं, क्योंकि जो अंतर आता है खरीफ क्रॉप में और रबी क्रॉप में, खास करके जो अभी खरीफ सीजन है उसका क्रॉप जो है हार्वेस्ट जो है वो दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा और उसके बीच में बारिश जो एक तरह से अनसीजनल रेन्स हुई थी, पहले बहुत देर से आई थी बाद में बहुत ज़्यादा आई, तो उसकी वजह से सब्जी में काफ़ी उगाई में दिक्कतें आई है किसानों को और उसको लेकर सब्जी के दाम जो है उसमें काफ़ी वेरिएशन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्याज जो लगातार उसकी कीमतें जो है वो आसमान छू रही है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि प्याज का जो कारोबार चलता है खास करके महाराष्ट्र से, वो कारोबार के जो जितनी भी एपीएमसी मंडियां है वो भी एक तरह से पॉलिटिसाइज हो रही है, एक तरह से उन मंडियों में पॉलिटिकल पेंट भी है और साथ साथ जो नया प्याज आने वाला है अगले सीजन में, खास करके जो दिवाली का हार्वेस्ट जो होता है उसमें, उस वो आने के लिए अभी 30 दिन बाकी है, जो होर्डिंग किया हुआ प्याज है वो वैसे के वैसे वहीं पे है, कई सारे किसान जो बड़े दाम से ज़्यादा दाम से प्याज बेचना चाह रहे हैं वो बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि पिछले 3-4 दिनों जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी अपना ट्रेडिंग बंद रखा था क्योंकि सरकार ने जो एक्सपोर्ट है प्याज का वो बंद किया था। तो प्याज की जो सिचुएशन है वो काफ़ी पॉलिटिसाइज हुई है, काफ़ी ट्रेडर्स और किसानों के बीच में एक तरह से खींचातानी है उसमें और उसको लेकर प्याज की जो सिचुएशन, वो जो हाल बने हुए है वो अब हम देख रहे हैं और वो हाल जो है वो जो कहते हुए रहेंगे जब तक दिवाली ख़त्म नहीं होती। यानी आप कह रहे हैं कि जब तक महाराष्ट्र में चुनाव खत्म नहीं होते तब तक ये कीमतें ऐसी ही बढ़ी रहेंगी, राजनीतिक खींचतान के वजह से जो है प्याज की कीमतें इस कदर बढ़ी हुई है। वजह ये नहीं कि प्याज की कमी है, वजह ये है कि राजनीतिक खींचतान हो रही है। मंदार जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें और इसी को लेकर दिवाली से पहले केंद्र ने अपने कर्मचारियों को
और एक बम्पर बोनांजा दिया है। केंद्र ने महंगाई भत्ते को 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों को होगा। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में महंगाई भत्ते में ये सबसे बड़ा इजाफा है। जी, और इसी के साथ कहेंगे अलविदा, बने रहिए मिरर नाउ के साथ।